नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, इस वक्त मैं हूँ मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि पे, और इस वक्त मैं खड़ी हूँ जहाँ कृष्ण जन्म है। मथुरा नगरी कृष्ण जन्म भूमि बेहद प्रसिद्ध है, और जब बात हो जन्माष्टमी की, मौका हो जन्माष्टमी का, तो ऐसे भक्तों का सैलाब मथुरा आना तो लाजमी है। इस वक्त हम खड़े हैं जन्म भूमि पर, और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आए हुए हैं, और सब कृष्ण जी का एक झलक पाना चाहते हैं। अभी कृष्ण जी के जन्म को बहुत वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही यहाँ भीड़ का जन सैलाब बढ़ बड़ा है। यहाँ हमारे कुछ भक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो आपने अभी दर्शन कर लिए, कैसे दर्शन? तो दिल्ली से इतनी दूर से कृष्ण जी के यहाँ क्यों आया? प्राउड ऑलवेज। कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से। आपके दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, भगवान से आस्था है, इतनी दूर आए तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? इतनी लाखों की भीड़ है, नहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी? सबसे अच्छा काम भगवान के दर्शन भी अच्छे है, अपने घर को चले आ रहे। तो आप कहाँ से आए? अलवर से। अलवर से राजस्थान। तो कैसा लगा आपको? दर्शन हो गए आपको? हाँ हो गया ना। कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी? तो ऐसा क्या है कृष्ण जी में कि दूर दूर से लोग उनकी भक्ति में चले आते? उनका प्यार प्रेम के लाता है, और कृष्ण जी की भक्ति और उनका प्यार इतना अलौकिक है कि कोई भी लोग उनके मोहित होने से नहीं चुकता। हम आपसे बोलेंगे, आपका अद्भुत रूप नजर आ रहा है, आपको दर्शन हो गए? मैं अभी जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए? मैं झांसी यूपी। झांसी से आए? तो इतनी दूर से यहाँ जन्मभूमि में आज? अरे बड़े सौभाग्य के आज मुझे दर्शन प्राप्त हो गए भगवान कृष्ण भगवान के, उनके जन्म स्थल। आपको बता दें कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, और प्रशासन की बहुत पुख्ता व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, और भी बल यहाँ तैनात हुए हैं, और तीन संख्याओं में ये जो है बैरिकेटिंग बांटी गई है, ताकि जो लोग पैदल आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। पार्किंग की व्यवस्था बहुत दूर की गई है, जिससे कि गाड़ी अंदर ना आए, मोटरसाइकिल अंदर ना आए, जो पैदल यात्रियों को तकलीफ दे। यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। कहाँ से आए? मैं कासगंज से आए। कासगंज? जी जी। तो आप तो यहीं के हैं, तो आते रहते हैं या? मैम बिल्कुल हर महीने आता हूँ। हर महीने? तो कृष्ण जी में ऐसी क्या बात है जो युवा पीढ़ी मोहित हो रही है? और मैम उन्होंने जो प्रेम की एक गाथा उनसे जुड़ी है, बहुत एक तरह से देखा जाए वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। उनमें भगवान राम से भी ज्यादा लीलाएं, मतलब उनकी जो लीलाएं थी वो ज्यादा ही पॉपुलर थी। उन्होंने वो दुनिया को दिखाया जो कोई नहीं दिखा पाया। तो आप देख सकते हैं कि कृष्ण की ऐसी है कि युवा पीढ़ी हमारे साथ खड़ी है, और वो कृष्ण की भक्ति में रंगी हुई है। आप कहाँ से? जी मैं काशन से हूँ, सारे फ्रेंड हमारे की कॉलेज के, और मैं यहाँ की व्यवस्था से और प्रशासन से बहुत खुश हूँ। और आप लोग जैसे हमारे जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मीडिया को भी दिखा रहे हैं, पुलिस को भी दिखा रहे हैं, जिससे हम लोगों को व्यवस्था बढ़िया मिल रही है, मैं इस बात से खुश हूँ। और बाकी हमारा जो लाखों की भीड़ है, और जहाँ हमारी जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी तरीके से है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, ना किसी प्रकार का कोई चोट लगी, किसी को दिक्कत हो रही है। जो फोन वगैरह थे वो भी मैम बंद करा दिए, इनसे हमारी भीड़ को जो भीड़ होती थी उससे बहुत बेकाबू है। क्योंकि आजकल सेल्फी का, फोटोज का, वीडियोस का ट्रेंड बहुत चल गया है, तो हर भक्त जाता है वहाँ, फोटो वीडियो करता है। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था करी है कि कोई भी मंदिर में फोन लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि इससे थोड़ी स्थिति गड़बड़ा जाती है। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातें करेंगे। कहाँ से आए? जिला बदायूं से। बदायूं तो यूपी में ही है, तो आप अक्सर यहाँ आते हैं या पहली बार आए? दूसरी बार आया हूँ। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यमुना जी में नहा के आए और दर्शन करेंगे कृष्ण जी के। हाँ बहुत अच्छा लगता है, हमें इसलिए आते। भजन मुझे नहीं गाना आता दी। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल राधा रानी की जय। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। और ऐसे ही हम आपको मथुरा में जन्मभूमि के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।